अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है जी सब ठीक ठाक होंगे और बहुत ज़्यादा खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और आज का व्लॉग जी स्टार्ट करते हैं हम कपड़े धोने से, क्योंकि तो ख़त्म हो गई हमारी, तो ख़त्म हो गई थी पहले दिन ही जब हम दावत से होकर आ गए थे, उसी दिन मेरा तो काम स्टार्ट हो गए थे। खैर, यहाँ जी ईद का फोर्थ डे है आज, और मैं यहाँ पे जो है ना वो मशीन लगाने का सोच रही थी सुबह पे। मैंने कहा यार सोचना क्या है, लगा लेते हैं फटाफट। फिर मैं उठी और मैंने उठ कर जो है ना वो स्टार्ट कर लिया। हौले हौले करने से काम स्टार्ट हो जाता है, तो हौली हौली मैंने शुरू कर लिया है। और यहाँ जी कपड़े वगैरह निकाल के अलहदा कर रही हूँ, जो जो मतलब जिस हिसाब से धोने होते हैं वो। और यहाँ पे जी मैं वॉइस ओवर करने का दिल नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी कर रही हूँ, तो क्या करूँ खैर यहाँ पे जी आप लोग के सामने मैंने मशीन वगैरह लगा ली। अच्छा, मुझे पता नहीं क्यों आज कल ब्लॉग बनाने का ज़रा दिल नहीं कर रहा, फिर भी मैं बना लेती हूँ थोड़े बहुत, लेकिन दिल जो है ना वो ज़रा भी नहीं करता ब्लॉग बनाने का। और आज अबू भी तकरीबन सारा दिन दोपहर टाइम तक हमारे घर ही रुके थे, क्योंकि मोटरसाइकिल का थोड़ा सा काम सही करवाना था, चीज़ें थी उसकी थोड़ी बहुत सही करवाने वाली, वो अबू ने वैशवाक से करवानी थी। तो खैर जी यहाँ पर मैंने कपड़े वगैरह लगा लिए, मशीन ओ कपड़े वगैरह नहीं मशीन लगा ली हुई है, ऑन कर दिया। ठीक है, कपड़े मैं अंदर डाल रही हूँ और काफ़ी सारी क्लिप्स रिकॉर्ड कर लेती हूँ, काफ़ी सारी नहीं करती। अच्छा, उसके बाद जी मैंने नाश्ता वगैरह किया, क्योंकि फिर मैंने मशीन लगा के नाश्ता करके फिर बाकी के काम करने थे। तो यहाँ जी मैंने फेनियाँ वगैरह रख ली थी, पर मैंने खाई नहीं थी, खाई सिर्फ रोटी और सालन ही था। फिर जो उसके बाद फारिग होके काम शाम करके शावर भी ले लिया मैंने यहाँ पे, सारे काम को मुझसे फारिग होके दोपहर का टाइम में मैं अपने हस्बैंड के लिए ना कुछ बना रही थी दोपहर के लिए, क्योंकि उन्होंने सुबह टाइम पर नाश्ता नहीं किया, उन्होंने थोड़ी सी फेनियाँ खाई तो वो काम से आके सो गए। और अभी जो है ना मैं उनके लिए बना रही थी ऑमलेट, हाफ फ्राई ऑमलेट बनाने की कोशिश थी, लेकिन सही से बना नहीं, ये वाला तो खैर पूरा ही बन गया था, फुल फ्राई बन गया। लेकिन अच्छा, मैं जितनी मर्ज़ी इसको कोशिश कर लूँ ये ख़राब हो ही जा रहा है, देखें। खैर फिर भी जैसा कैसा भी बना, मैंने बना लिया इसको। अब हाफ़ फ्राई बना रही हूँ तो ऑयल थोड़ा इसमें ज़्यादा यूज़ होता है, आपको भी पता ही है। तो ये वाला जो है ना फिर भी सही बन गया था उससे, लेकिन वो वाला नहीं अच्छा बना। फिर मैंने जो है ना अपने हस्बैंड के लिए बना लिया था, क्योंकि उनको भी खाने के लिए कुछ देना था, और आप लोगों के साथ भी थोड़ा सा क्लिप रिकॉर्ड करके मैंने रख दिया आप लोगों के लिए। और इसके बाद जी फिर मैंने इसी तवे के ऊपर रोटी डाल दी, बनानी तो रोटी थी लेकिन बंद पराठा गया था, क्योंकि ऑयल ऑलरेडी तवे पे था। फिर मैंने इसको ना नीचे नहीं आग पे सेका आप लोगों के सामने, मैं ऊपर ही सेकूंगी चमचे से, क्योंकि नीचे फिर ऑयल लगा हुआ था तवे पे, तो और रोटी पे जैसे पराठा होता तो आग पे सेकना नहीं सही बन रहा था, तो इसलिए फिर मैंने इसी तरीके से जो है ना सेक लिया था चम्मच से। और यहाँ जी मेरे हस्बैंड का जो है ना वो नाश्ता वगैरह रेडी हो चुका था, नाश्ता नहीं दोपहर का खाना था वैसे तो, पर वाइब्स नाश्ते वाली ही आ रही थी। ये जी फाइनल लुक है मेरे हस्बैंड के नाश्ते की, आप लोग भी देख लें। फिर जो यहाँ आ गया पढ़ने के लिए, आपको पता है जैसे कि अभी छुट्टियाँ ख़त्म हो रही हैं, कल से स्कूल जाएगा, और फिर मैं आज आ गया था ट्यूशन, तो फिर मैंने इसको थोड़ा बहुत पढ़ाया, रिवीजन वगैरह करवाई। और यहाँ पे आप भी सब्ज़ी वगैरह काट रही थी, खरबूजे काट रही थी, सबका दिल कर रहा था खाने का। तो अभी मेरे हस्बैंड जो है ना वो काम पे चले गए, और ये जो कपड़े वॉश किए थे ना वो सूख गए थे, तो वो मैं ले आई थी रूम में, और ये चेयर पे मैंने भर के रख दिए। अभी मेरा मूड नहीं काम करने का, तो बस मैं काम 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 ही करी जा रही हूँ, तो मेरी अब बस हो गई है। तो अभी बस हम ट्राईपॉड उठाते हैं, क्योंकि हम एक काम करने लगे हैं, और वह काम किया है वो मैं भी आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। तो उसके लिए मुझे पहले इसको उतारना पड़ेगा नीचे, और हाँ जी इसके अंदर से निकालनी है जी मेहंदी। ये चीज़ें रखेंगे जी यहाँ, ठीक हो गया, ये यहाँ एंड यहाँ, हाँ जी बिल्कुल। अब मैं लगाने लगी हूँ जी अपने मेहंदी, ठीक है। मैंने आज सोचा चलो मेहंदी लगाती हूँ टाइम पास करना है। ये मैंने स्केच थोड़ा सा आइडिया के लिए बना लिया इस पर, क्योंकि मेरे मोबाइल में था डिज़ाइन, और डिज़ाइन के वीडियो मैंने शूट करनी थी मोबाइल से, तो फिर जाहिर सी बात है मोबाइल नहीं मैं रख सकती थी, तो फिर मैंने वहाँ पर बनाया। अब मैं अपने हाथों पर बनाती हूँ, फिर आप लोग सभी शेयर करती हूँ साथ साथ ही, जब मैं बनाऊँगी ना तो दिखाती हूँ। Thank you.
ओके जी जनाब, फाइनली मेहंदी लग गई है। अच्छा मैं यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट लगाती हूँ, आप लोग देख लें अगर मुझे कॉपीराइट ना आ गया इस पे। तो ये वाला जो डिज़ाइन है ना वो मैंने अपने हैंड पे लगाया हुआ है, ठीक है। कॉपी करने की पूरी कोशिश की है बट फिर भी जैसा भी बना आप लोग के सामने है ना जी। मेहंदी का रंग कुछ इस तरह से आया, माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही है, मुझे तो अच्छी लगी है ना। ये स्टार थोड़ा सा फैल गया बट इट्स ओके, मैंने कौन सा किसी के ब्याह पे जाने, ये मेरा ब्याह है। खैर अभी जो खाना खाते हैं, ठीक है जी। मुझे लगी हुई है भूख और वैसे भी काफ़ी टाइम हो गया, 7 बज चुके हैं और आप ही लोगों ने जो है ना वो खरबूजा खा लिया था तो उनको भी भूख नहीं है। मैं खाना खाती हूँ और फिर आप लोगों के साथ मिलती हूँ, अभी मैंने कोई काम तो करना नहीं है। यस ओके, तो अभी जो है वो खाना खा लिया मैंने और अब मैं फेनियाँ खाने लगी। अच्छा मुझे ऐसा फील होता है जब तक आपके घर में फेनियाँ रहेंगी ना तो आपको खाने के बाद ये क्रेविंग होती है कि यार कुछ खाने के बाद मीठा होना चाहिए, बट जैसे ही आपकी फेनियाँ ख़त्म हो जाएंगी आपको सुकून हो जाएगा। तो अभी हमारे घर में फेनियाँ हैं, इस दफ़ा हमारे घर फेनियाँ बहुत ज़्यादा जमा हो गई थी। हम लोग ईद के लिए अपनी भी पर्सनल जो घर के लिए होता है वो भी ले आए थे, उसके बाद अम्मी लोगों ने जो ईदी दी थी उसके अंदर भी फेनियों वाली टोकरी थी पूरी, तो काफ़ी सारी थी। तो अब जैसे ही ख़त्म हो जाएंगी सुकून आ जाएगा, इत्मीनान आ जाएगा। खैर जी अभी मैं इस व्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, आई होप आप लोग को व्लॉग पसंद आएगा। मेक श्योर कीजिएगा लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं जी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए जी मुझे दीजिए इजाज़त और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को भी लाइक कर देना, फ्रेंड्स एंड फैमिली में भी शेयर कर सकते हैं, कमेंट भी करना है आप लोगों ने। अल्लाह हाफिज़।